क्वेश्चन इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस फंक्शन में हमें ये चेक करना है कि किसे डिफ्रेंशिएट करने से कौन सा टर्म आ रहा है। अगर हम इस साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो हम फर्स्ट वाले टर्म में बाई पार्ट यूज करेंगे। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ई टू द पावर एक्स को बोथ के साथ, तो ये होगा ई टू द पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स टी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमने साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से सेकंड वाले पार्ट आ रहा है टर्म, तो हम फर्स्ट वाले में बाई पार्ट यूज़ करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स जो है और ई टू द पावर एक्स, तो हमें यह चेक करना है कि किस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है और किससे डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स जो है वो इनवर्स फंक्शन है और ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो राइट वाले फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं और लेफ्ट वाले को डिफ्रेंशिएट। तो साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये बोथ टर्म्स सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे। सो इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर।